हेलो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद ओके ऑफ अलाहाबाद वो ब्लैक ही रह गया कोई बात नहीं तो एंड दिस इज माय ईमेल आईडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल अ न्यू कंसेप्ट अ न्यू टॉपिक That is educational administration and management. Its meaning, nature, and scope. It is the first unit of your uh, next paper, educational administration and management. So I am uh, discussing here the first very conceptual topic about educational administration and management. And the lecture will be in bilingual mode as usual. And it is it is very basic and fundamental topic of the paper, educational administration and management. So it is uh, it must be useful for all of you. <clears throat> हिंदी में बोले तो शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन पूरा पेपर ही आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का है बहुत से बहुत जगह बी ए बी एड एम एम एड में पढ़ा पढ़ाया जाता है और चूंकि बेसिक डिफरेंस बेसिक मीनिंग नेचर और स्कोप है तो ये आपके लिए जानना जरूरी है तभी इसके बाद आप समझ पाएंगे कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन क्या है तो शैक्षिक प्रशासन से शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेन पर्पज ऑफ अचीविंग गोल्स मतलब अगर हम एजुकेशन को इसमें नहीं लाएं एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह होता है हर ऑफिस में हर ऑर्गेनाइजेशन में तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है प्रशासन यानी कि आपको क्या करना है सिस्टमैटिकली अरेंज करना है और कोऑर्डिनेट करना है यानी कि आपको व्यवस्था बनानी है आपको बीच में कोऑर्डिनेशन देखना है समन्वय देखना है किन के किन के बीच में जो ह्यूमन और जो मेटेरियल रिसोर्सेज है यानी कि जो फाइनेंस जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेटीरियल रिसोर्सेज है और जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ भी ह्यूमन और ियल रिसोर्स अवेलेबल है उपलब्ध है उसको आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करके कोऑर्डिनेट करना है जिससे कि किस लिए हम अरेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जो वो संस्था है उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके इसी को अगर स्कूल या एजुकेशनल फील्ड में आप अप्लाई अप्लाई टू दी स्कूल सिस्टम प्रोसेस इज टू एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल स्कूल यही सब कुछ यानी में जितना फाइनेंशियल मेटीरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप ऑर्गेनाइज करें कोऑर्डिनेट करें ताकि स्कूल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसकी प्राप्ति हो सके तो वो शैक्षिक या विद्यालयी प्रशासन हो जाएगा है ना तो इसमें खास बात क्या है कि इट इज ए स्पेशलाइज एक्टिविटी दट रन दर एजुकेशनल प्रोग्राम कम्पोज ऑफ ह्यूमन एंड मेटीरियल रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर टूवर्ड्स ए फ्रूटफुल एंड कंस्ट्रक्टिव गोल दैट इज अचीविंग दीपजेज ऑफ प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई शैक्षिक संस्था है उसके प्रोग्राम्स का जो पर्पज है उसको आपको अचीव करना है कैसे अचीव करना है उस संस्था में जो भी आपके पास ह्यूमन और मेटीरियल रिसोर्स है उसको आपको एक अच्छे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड मैनर में अरेंज करना है यही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब यही एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन में आएगा तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा ऑफिस में होगा तो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा है ना तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इट इज टू इनेबल

काम है यही उसकी भूमिका है और देखिये तो शैक्षिक प्रशासन क्या है इट इज स्टेट्स दी स्पेसिफिक पर्पज एंड मिशन ऑफ एजुकेशन इन जनरल एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन पर्टिकुलर शिक्षा के उद्देश्यों को इन जनरल ये प्राप्त करना चाहता है और जिस विशेष उद्देश्य के लिए उस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है उसको प्राप्त करना चाहता है इट इंश्योर्स दैट वर्क इज प्रोडक्टिव बाई नर्चरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी प्रोडक्टिव इन दियर इंडिवर्स ये कोशिश करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव बने वो कुछ अच्छा करें कुछ प्रोडक्शन करें कुछ नया करें जिससे कि वो विद्यालय या वो संस्था के एंडिवर्स कीवर्ड्स फुलफिल हो सके फिर डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स इफिशियंटली टू अकॉम्प्लिश सेट गोल्स खास बात क्या है खास बात यह है कि हमको लक्ष्य प्राप्त करने हैं जो लक्ष्य बनाए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सब इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिवली कोलेबोरेटिवली कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें यही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य है

मटेरियल लर्निंग ह्यूमन रिसोर्स वहां अवेलेबल है आपको उसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है कोऑर्डिनेट करना है कंट्रोल करना है जिससे कि उस संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके यही शैक्षिक प्रशासन है ठीक तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या-क्या हो जाएंगे एग्जीक्यूट प्लान करिए योजना बनाइए फिर उसको डायरेक्ट करिए लाइन ऑफ एक्शन यानी कि सिर्फ योजना पेपर पे ना हो वो एक्शन में भी आए फिर आप सुपरवाइज कीजिए कि जो आपने योजना बनाई और एक्शन में आई वो कैसा काम कर रही है उसके लिए कुछ एडवाइस दीजिए कि अच्छा ये नहीं काम कर रहा है तो ऐसे कर लो सुधार लो बेहतर कराइए स्टिमुलेशन वर्क कितना इफिशियंट हो रहा है फिर एक्सप्लोर कीजिए कुछ नया 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 आजकल तो नएपन की बात है इनोवेशन की बात है फिर लीड करिए आप है ना और फिर असिस्टेंस दीजिए कहीं कोई फीडबैक आपको देना है वो दीजिए कुछ वीकनेस डायग्नोज हो रही है उसको डायग्नोज कीजिए ये सब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं let's go objectives किन उद्देश्यों के लिए इसकी रचना हुई है कि टू तो टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन तो स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिले टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज जितना भी रिसोर्स अवेलेबल हो सबका एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो ऐसा ना हो कोई रिसोर्स अनयूज रह जाए टू तो इंश्योर प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स यानी कि जो शिक्षक इन्वॉल्व है वहाँ वो प्रोफेशनल इथिक्स फॉलो करें उनके भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते रहें टू मोबिलाइज दी कम्युनिटी अब तो हर जगह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सीख करने की बात की जाती है यानी कि आपको सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी टू गेट हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है तो कोई मतलब, नहीं मतलब काम भी हो एंड टू एंश्योर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन और जो उस भी संस्था में शिक्षा दीक्षा चल रही है उसमें गुणात्मक सुधार करना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसी उद्देश्य के लिए इसकी रचना ही हुई है और इसका स्कोप किसके किससे किससे है तो मेनली इसका स्कोप प्लानिंग और बजटिंग से है पहले तो आप प्लान कीजिए योजना बनाइए पहले अपने गोल सुनिश्चित कीजिए फिर आपके पास जो जो रिसोर्स है उससे आप उस गोल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सुनिश्चित कीजिए प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज डुप्लीकेशन डुप्लिके, ऑफ एफर्ट एंड अनहेल्दी प्रैक्टिस आपको रोकना है क्या क्या वेस्टेज ना हो कोई चीज नुकसान ना हो रही हो बर्बाद ना हो रही हो बार बार वही एफर्ट मत डुप्लीकेट कीजिए दोहराइए नहीं और कोई भी अनहेल्दी प्रैक्टिस ना हो फिर ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान जो आपने योजना बनाई है वो समय समय पर आप उसको चेक करते रहिए कि एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं इसके अलावा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वास्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन रेंजिंग फ्रॉम प्लानिंग टू बजटिंग यानी कि हम योजना बनाएंगे फिर बजट भी बनाएंगे ना इन एन एफर्ट टू मेक द एजुकेशनल प्रोसेस एंड फंक्शनल इट फोकस अपन एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड प्रैक्टिकल मेजर्स टू इंश्योर ऑफ वर्क इन्श्योर दर्किशंटली एंड इन अचीवमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बेनिफिटिंग द एम्सिंग दर्नर्स दी मेन

एजुकेशन उसमें मैनेजमेंट और आ जाएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देखिए ये जो फंक्शंस है ये आपको हर जगह मिल जाएंगे कोई भी मैनेजमेंट की किताब आप उठा लीजिए उसमें आपको मैनेजमेंट या मैनेजर के फंक्शन मिल जाएंगे कि प्लानर हो ऑर्गेनाइजर हो डायरेक्टर हो कंट्रोलर हो इसी में कहीं कहीं कोऑर्डिनेटिंग भी होता है कहीं इवेल्युएटिंग भी होता है ये फंक्शन थोड़े वैरी करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बाई यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मेटीरियल रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली अकॉम्प्लिश फंक्शन ऑफ टीचिंग एक्सटेंशन वर्क एंड रिसर्च यानी कि शैक्षिक प्रबंधन से क्या मतलब है कि हमको प्लान करें ऑर्गेनाइज करें निर्देश दें नियंत्रित करें एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशन में जो चल रही हैं और सारे ह्यूमन और मेटीरियल रिसोर्स को यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा टीचिंग एक्सटेंशन वर्क और रिसर्च का काम अच्छे से चले ये शैक्षिक प्रबंधन का काम है तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एज ए फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस वॉज डिराइव फ्रॉम मैनेजमेंट प्रिंसिपल फर्स्ट अप्लाई टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मेनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं जो कि पहले इंडस्ट्री में कॉमर्स के फील्ड में अप्लाई की गए उन्हीं को एजुकेशन में अप्लाई करने पर वो एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया

कैसे योजना बनाई जाएगी सूक्ष्म स्तर पर कैसे बनाई जाएगी डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है पढ़ी पढ़ाई जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव टीम बिल्डिंग है ना फिर प्लानिंग ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ करिकुलम एंड अकेडमिक कैलेंडर मेंटेनेंस क्या क्या इसके अंतर्गत आता है मैनेजमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड द प्लानिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बजट इतना कुछ है ना डिसीजन मेक हमको क्या निर्णय लेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो टीम है हमारे पास उसमें हमको इफेक्टिव टीम बना के चलना है करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज को प्लान करना है स्कूल के रिकॉर्ड्स को मेनटेन करना है फाइनेंशियल रिसोर्स को हमको इफेक्टिवली एलोकेट करना है कहाँ कितना पैसा खर्चा होगा ये सब कुछ एजुकेशनल मैनेजमेंट का हिस्सा है फिर इसके काम क्या क्या है देखिए यही आपको काम मिलेंगे आपको हर जगह प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कहीं कहीं कोऑर्डिनेटिंग मिलता है कहीं नहीं मिलता है और कंट्रोलिंग और evaluating. तो प्लानिंग सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए और उस हिसाब से प्लान कीजिए फिर ऑर्गेनाइज कीजिए आपके पास जितना भी रिसोर्स है कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है फिर डायरेक्ट कीजिए आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा आपको एजुकेशनल लीडर की भूमिका में होनी पड़ेगी कि हम ऐसे करिए आपको लीड लेना पड़ेगा लीडरशिप यहाँ पे आएगा फिर जितना भी ह्यूमन मटेरियल फाइनेंशियल रिसोर्स है आप उसको कोऑर्डिनेट कीजिए फिर कंट्रोल आपका नियंत्रण होना चाहिए कि कहीं जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उस पर काम चल रहा है कि नहीं कहीं कोई गलत तरीका तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है ये सब और बाद में आप इवेलुएट करेंगे कोई भी सर्विस है उसमें लास्ट में इवेलुएशन या फॉलोअप का ही स्टेप आता है कि हम मूल्यांकन करेंगे उसको वर्ड कितना वर्दी रहा हमारा निर्णय हमने हमारी प्लानिंग कितनी सफल रही हम आगे भविष्य में क्या सुधार करना है क्या गलती रह गई ये सारा कुछ ठीक फिर उसके बाद अब एजुकेशनल uh, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है

मैनेजमेंट ये साइकोलॉजी फिलोसफी सोशियोजी और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, है इसका लेना देना ह्यूमन रिसोर्स लर्निंग रिसोर्सिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेस है तो बहुत ही

गोल्स लोगों के साथ ग्रुप्स के साथ ताकि कि आप उसको गोल को अचीव कर सकें उसी तरह से एक सेकेंड डिस्टिंगशन और है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न क्रिएटिंग पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन का, का काम है कि हम नीति निर्माण करेंगे डिसीजन मेकिंग रूल बनाएंगे और मैनेजमेंट क्या करेगा इन रूल्स और रेगुलेशन ये हो रहे हैं कि नहीं एक्चुअली इसको देखेगा मतलब थोड़ा सा अंतर बहुत बहुत थिन लाइन है लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को एक दूसरे की जगह नहीं इस्तेमाल करना है एक साथ है क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है बहुत चीज़ें ओवरलैपिंग है लेकिन फिर भी एक डिस्टिंक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है कि मैनेजमेंट को कह रहा है कि सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है जबकि एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है एक्चुअली लोगों के साथ और सेकेंड डिस्टिंक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसी निर्माण करता है और मैनेजमेंट ये देखता है कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो निर्माण कर दिए गए हैं उनका इंचार्ज बनता है मतलब वो हो रहे हैं कि नहीं उनको देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं है डिफरेंस पूछा नहीं जाएगा आपसे जनरली लेकिन एक बेसिक अंतर आपको बताना होना चाहिए जनरली वो आपसे एजुकेशनल मैनेजमेंट मिला के पूछेंगे वट इज द नेचर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है ना तो ये है शैक्षिक प्रशासन यानी कि जितना मेन काम शैक्षिक प्रशासन का कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको पाना है उनको कैसे पाना है जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उसी से अरेंज करके सिस्टमैटाइज करके कोऑर्डिनेट करके पाना है और मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एजुकेशन में एप्लीकेशन है और जिसके चार पांच मेन फंक्शन है प्लानिंग आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग और इवेल्युएटिंग ये मेन इसका लेना देना ठीक So in this way, I have completed this very first topic of the year course, educational administration and management. And in, uh, thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.